प्रदेश में अवैध कब्जों पर चले सरकार के बुलडोजर के बाद अब कई जगहों पर लोग खुद ही अपने अवैध कब्जे हटाने लगे हैं या खुद ही प्रशासन को जानकारी देकर कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। इसी कड़ी में रामपुर की तहसील शाहबाद के मित्रपुर अरेला गांव के बाशिंदे तालाब और कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे हटाने लगे हैं। यहां तक कि एहसान नाम के एक शख्स ने SDM को जानकारी देकर अपने अवैध कब्जे वाले मकान को गिराने की अर्जी दी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अर्जी पर कब कार्रवाई होगी। मित्रपुर अहिरौला है, यहाँ के एक हैं एहसान मियां, शिकायत किया कि साहब पवान घर बना रहा है और उनका घर कब्रिस्तान में बना। यहाँ पे मैंने जांच किया तो पवान का घर तो वास्तव में कब्रिस्तान में बना है, लेकिन यहाँ पे तालाब और कब्रिस्तान के नंबर में आधे से ज़्यादा गांव बसा हुआ है। मैं उस दिन सर्वे करके गया था। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब में कोई घर नहीं होगा, तो मेरी मजबूरी है कि अब इन पर मैं कार्रवाई करूं। नोटिस वगैरह दे रहा हूं। नोटिस वोटिस देने पर जो है ये अगर खाली कर देंगे तो ठीक है, नहीं खाली करेंगे तो फिर मुझको बलपूर्वक करना पड़ेगा। मेरा पुश्तैनी मकान दादा पर दादा के टाइम का मकान था, वो जब नक्शे में देखा गया है तो वो तालाब की भूमि पाई गई है वहाँ पर। मैंने SDM साहब से आपत्ति लगाई, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ये मकान है, मकान को गिरवाया जाए। तो वहाँ मेरा ही विरोध शुरू हो गया कि तुम ही चाहते हो और कोई नहीं चाहता। वहाँ पर काफ़ी घर बने हुए हैं तालाब में, मौजूदा प्रधान का घर भी है और भी लोग हैं, तो वो वहाँ मुझे तो इससे मुझे आज की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान का भी खतरा है। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ, या तो मुझे सिक्योरिटी पर रिपोर्ट करी जाए वरना इन लोगों के खिलाफ़ मुकदमे